पिटाई कौन करेगा, उनकी चुकाई पिटाई भी तो तुम ही करोगे। जब तुम्हारा बच्चा नालायक निकल जाता है तो कौन समझाएगा? पड़ोसी पीटने आएगा, तुम पीटने आओगे? कौन पीटेगा उन्हें? उन्हें सुधारेगा कौन? उनकी गलती कौन बताएगा? भाई तुम्हारे बच्चे हैं, ऐबदार निकल गए तो उन्हें पीटेगा कौन, सुधारेगा कौन? इसकी जिम्मेदारी 24x7 नीलम बोध के साथ साथियों, आज हम रकाबगंज पर जहां पर साहब मानवर काशी राम जी की 18वीं पुण्य तिथि मनाई गई। मेरे साथ में शशि भूषण जी, उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी कल जिस तरह से हरियाणा का रिजल्ट आया और बसपा 0% सिमटकर रह गई, लेकिन जिस तरह से साहब मानवर काशी राम जी का त्याग समर्पण बलिदान रहा, तो क्या लगता है कि आज वर्तमान समय में जो बहुजन समाज है वो अपनी अस्मिता से जूझ रहा है? देखिए, बहुजन समाज अपनी स्थिमा से नहीं जूझ रहा है, बल्कि समाज ने जब जब रिजल्ट देखा है, जब जब अपने नेता पर विश्वास किया है, वो खरा उतरा है, तो समाज ने साथ दिया है। लेकिन जब जब उसे लगा है कि हमारा नेता अब हमसे दूरी बना रहा है, तो जो उसका समाज है, नेता ने एक कदम बनाई तो समाज अब चार कदम बना रहा है। फर्क इतना है, बाकी कोई किसी से नहीं जूझ रहा है। कारण क्या है कि बसपा जब जब चुनाव होते हैं तब तब 0% सिमट कर रह जाती है? कारण ये है कि बसपा आती ही जब जब है, जब जब चुनाव आते हैं, उससे पहले उनके ना कार्यकर्ता कहीं दिखाई देते हैं, बस अपना 4-6 लोग मीटिंग करते हैं, उन्हीं की फोटो डाली और फिर बाद में वो चिकन मटन की पार्टी चलती है, उससे नीचे चलती नहीं है। आप एलिगेशन लगा रहे हैं पदाधिकारियों पर? मैं कब एलिगेशन लगा रहा हूँ? ये आप ही कह रहे कि चिकन मटन खाते हैं, दो दिन पहले आते हैं। पार्टी होगी तो उसके बाद में खाना नहीं होगा, चाय नहीं होगी? अब चाय होगी तो सूखी तो होगी नहीं, वो कुत्ते वाले बिस्कुटों के साथ तो होगी नहीं पार्ले जी के लिए, होगी तो काजू होंगे, बादाम होंगे, वो पिस्ता होंगे। और फिर खाने की बात आएगी तो खाने में वो दाल और वो तो मसूर की दाल तो होगी नहीं मरीजों वाली, चिकन होगा। आज बहन जी ने क्या संदेश दिया लोगों को? यही कि जन्मदिन आ रहा है, पहले जन्मदिन गरीबों की पार्टी है, पार्टी पैसे से चलती है। नहीं, जन्मदिन तो हर बार मनाते हैं, परिनिर्वाण दिवस भी हर बार मनाते हैं, लेकिन जो सत्ता के लिए संघर्ष होना चाहिए उस पर क्या विचार विमर्श करें हैं? उसके लिए यही है कि जन्मदिन पे पैसा, जितना ज्यादा पैसा पार्टी के पास आएगा, पार्टी उतनी ऊंची चलेगी। मतलब पैसे से चुनाव लड़ेंगे, पैसे से चुनाव जीतेंगे? पैसा चुनाव फ्री में लड़ा जाता है। नहीं, अगर आप कार्यकर्ताओं को लगाओगे, समर्पित कार्यकर्ताओं, तो चुनाव क्यों नहीं जीतेंगे? बताओ ना, साल काम पैसे में बिना फ्री में लड़ा जाता है? 5 साल क्यों नहीं काम करते हो आप लोग? अरे जब एक साल में काम हो सकता है तो 5 साल जरूर काम करना। आपने देखा है कि चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार वो फील्ड में रहते हैं, सुबह उनकी शाखाएं लग जाती है, लगातार उनके कार्यकर्ता डोर टू डोर करते हैं, पन्ना प्रमुख बनाते हैं, लेकिन आप जैसे लोग या बहुजन समाज पार्टी के लोग काम क्यों नहीं कर पा रहे? कारण क्या है? बीजेपी सांपनाथ है, कांग्रेस नागनाथ है, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करने दो। लेकिन हम एक साल में और जन्मदिन मना के हम जीत सकते हैं, हमें भरोसा है, तो हम उस पर काम करेंगे। देखिए, बसपा के लोग कांग्रेस और भाजपा पर एक तरह से एलिगेशन लगाते हैं कि एक सांपना का एक नाथ है, लेकिन आप लोग इसमें काम क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं लोगों को जगा रहे हो घर घर जाकर? मैं क्यों जगाऊं? नहीं, क्या आपकी ड्यूटी नहीं है? मैंने धम का ठेका ले रखा है, धम के लिए जगाऊंगा? मतलब राजनीति जरूरत नहीं है? राजनीति नहीं, मेरे लिए राजनीति जरूरत नहीं है। बिना सत्ता में आप अपने हक अधिकार सुरक्षित कर सकते हो? बाबा साहब ने कहा था जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, कि जब तक किसी भी समाज की सामाजिक और धार्मिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, वो समाज कभी भी हुक्मरान नहीं बन सकता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, और जिस व्यक्ति ने यह किताब 3 बार पढ़ी, यानी काशीराम जी ने 3 बार पढ़ी कहते हैं वो, और वो बदल गए, उन्होंने यहां तक ला दिया, तो छुटभैये जो हैं ये बिना पढ़े ही कह रहे हैं कि सत्ता आएगी तो हम धर्म स्थापित करेंगे। मतलब काशीराम जी ने एक बुक पढ़ी और परिवर्तन कर दिया, 4-4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे लोग हैं जो धम के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन भी करते, बड़े बड़े सेमिनार भी लगाते हैं, और ऐसे लोग हैं जो बौद्ध धर्म की दीक्षा भी दिलाते, तो क्या बात है? सामाजिक काम भी हो रहा है और धार्मिक काम भी हो रहा है, फिर भी सत्ता से दूर क्यों? जो धार्मिक काम कर रहे हैं वो इसलिए दूर हैं कि वो ये नहीं कह रहे कि तुम्हें वोट कहां देना है, और वो ठीक है अपनी जगह। नहीं, क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती है कि बहुजन समाज के लोगों को जगह बनती है? जब राजनीतिक सत्ता में होते हैं तो कौन सी राजनीतिक पार्टी ने, या मैं ये भी कह रहा हूँ बसपा पार्टी ने, कौन से सामाजिक संगठन को, सामाजिक संगठन में अगर बाबा साहब के संगठन, चलो ये तो, और संगठन तो मेरे तुम्हारे बनाए हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा भी संगठन है, मेरा भी संगठन है, बाबा साहब के संगठन से क्या कभी कहा? भारतीय बौद्ध धर्म के गुरु हैं, आपने कहा कि सिंगल को बुला के ये कहा कि तुम क्या कर रहे हो भाई, हम सब मिलकर काम करेंगे और देश में हुक्मरान बनेंगे? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। आपने कहा कि जो बौद्ध धर्म के गुरु है वो कभी भी ये नहीं कह रहे किसको वोट करें, क्यों करें, यही मैं जानना चाहूंगी। लेकिन जो हिंदू संत है वो लगातार बात, उनकी चुकाई पिटाई कौन करेगा? उनकी चुकाई पिटाई भी तो तुम ही करोगे। जब तुम्हारा बच्चा नालायक निकल जाता है
तो कौन समझाएगा? पड़ोसी पीटने आएगा, तुम पीटने आओगे? कौन पीटेगा उन्हें? उन्हें सुधारेगा कौन? उनकी गलती कौन बताएगा? भाई तुम्हारे बच्चे हैं, एफदार निकल गए, तो उन्हें पीटेगा कौन, सुधारेगा कौन, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ज्यादा पढ़ लिख ले, सब समझदार हो गए। अरे पढ़ लिख कर ही समझदार होते हैं, अनपढ़ समझदार का होते हैं? अनपढ़ समझदार भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन समझदारी और पढ़ाई लिखाई दोनों अलग चीज है। लेकिन सत्ता पर चलना और धार्मिक चलना ये अलग अलग चीज है। सत्ता पे चलना है, सत्ता पे काबिज होना है, तो धर्म का भी संरक्षण लेना पड़ेगा, समाज का भी संरक्षण लेना पड़ेगा। आप सब दलितों को बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए? नहीं, नहीं होना चाहिए। उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उनकी ये कि हम सत्ता में आए तो हर जगह मंदिर होंगे, हम नहीं चाहते हर जगह मंदिर होंगे, क्योंकि मंदिर हमेशा अवैध जगह में होता है, मंदिर हर जगह गलत नीति फैलाता है। किसी मूर्ख ने कहा, कह दिया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इकबाल अगर आज होता तो मैं जाके कहता ये मजहब ही है जो दीवार खड़ी कर रखी है। अगर मजहब नहीं होता, मजहब नहीं होता तो किसी के अंदर लड़ाई नहीं होती। अरे भाई चुप हो जाओ, रातों रात और दिन के दिन मजहब ही है जो लड़ाई कराते हैं। हिंदू को मुसलमान अच्छा नहीं लगता, मुसलमान को हिंदू अच्छा नहीं लगता, मजहबों से ही ये सब सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। और बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, धार्मिक दंगे फैलाती है, इसलिए किसी को भी नहीं जाना चाहिए। सामाजिक न्याय की पार्टी कौन सी है ये आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन बीजेपी कभी भी अच्छी पार्टी नहीं रही है, किसी भी सहूलियत से, एक नहीं किसी भी सहूलियत से। शशि भूषण जी, जाते जाते हमारे दर्शकों को साहब मान्यवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर कोई ऐसा गीत सुनाए ताकि कम से कम उनमें थोड़ी बहुत प्रेरणा आए और वो समाज के लिए समर्पित हो जाए। देखिए प्रेरणा के लिए तो मेरे पास कोई गीत नहीं है कि मैं प्रेरणा दूं के या गीत से उत्साहित हो जाएं, लेकिन एक ऐसी चीज है कि वोट ऐसी चीज है कि आदमी से हम कह तो दें, लेकिन जाते समय जब वो दे के आता है उसका प्रमाण नहीं होता कि उसने कहाँ दी है, ये सिर्फ वही व्यक्ति जानता है। इसको तो डलवाने वाला व्यक्ति भी नहीं जानता कि किसने किसको डाली होगी। मैं तो यही कह सकता हूँ कि विवेक और बुद्धि सभी के पास है, विवेक और बुद्धि से काम ले रहे हैं लोग, कोई किसी के बहकावे में नहीं आ रहा है। यूपी में भी यही हाल हुआ, हरियाणा में भी यही हाल हुआ, ये सब लोगों ने अपनी बुद्धि विवेक से काम लिया। चुनाव से पहले अक्सर हम देखते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, हरियाणा में चुनाव, पंजाब में चुनाव, बसपा पार्टी के तमाम नेता पहले से ही पोस्ट करने लग जाते हैं कि हम 30 से ज्यादा सीटें जीतेंगे या 50 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन परिणाम होता है आज जीरो। आज बहन जी को कम से कम चार आदमी आधे घंटे का टाइम लेना चाहिए था कि एक माइक दे के भाई बीच में, भाई तुम खड़े हो जाओ, कहाँ से आए हो, भाई तुम्हारे यहाँ सब ठीक है, कोई परेशानी है, कोई सुझाव दो मिनट में, दो मिनट से ज्यादा बोले तो माइक ले लो, सुझाव बीच में से लेना चाहिए था किसी को उठा के। वो सच बोलता व्यक्ति, झूठ नहीं बोलता, कार्यकर्ता के साथ में संवाद नहीं है अभी, झूठ नहीं बोलता वो। लेकिन देखिए पूछना चाहिए था, पूछना चाहिए था, लेकिन बुला के अपनी बात रख देना, ये कहा कि चुनाव के लिए हमें तैयारी करनी है। हमारा रिजल्ट यूपी में भी ये रहा, हरियाणा में भी रहा, सभी राज्यों में ऐसा रहेगा, क्योंकि ये जो कार्यकर्ता हैं ये निठल्ले हैं, ये सिर्फ बहन जी को खुश रखते हैं और बहन जी इनसे खुश हैं, लेकिन कार्यकर्ता देखिए कैसे कह, ये तो देखिए कह सकते हैं, मैं इतना नहीं कह सकता, ये आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे इतना मालूम है विधानसभा गाजियाबाद से उसे टिकट दे दिया गया पहले, आपके साथ ही दे रहा। अब रवि गौतम उसने पैसा नहीं दिया था, उसका टिकट काट दिया जेल में। टिकट कटना बटना ये तो पार्टी पे बहुत पहले से दाग लगता रहा है और इसके भी नेगेटिव परिणाम होते हैं, इसलिए पहले से ही ये निर्णय किए जाएं, या वहां से चार छह कैंडिडेटों के बायोडाटा लेके जनसभाएं करी जाएं सभी से, जिसकी जनसभा अच्छी हो उसको टिकट दे दिया जाए, लेकिन ऐसा ना हो। अरे यार ऐसा नहीं कहो कि जिसका माल ज्यादा हो, लेकिन मैं जब सुझाव मांग रहे तो मैं बता रहा हूँ मेरा सुझाव है, यहाँ किसी और से पूछोगे अच्छा सुझाव तो वो और अच्छा दे सकता है, लेकिन मुझसे मांग रहे तो मैं अपना ही तो दूंगा। अब ये तो जो टिकट देते हैं उनका अपने सर्वे होता है, आपने मुझसे पूछा तो मैं अपना सर्वे बता रहा हूँ, मैं पार्टी का सर्वे नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, क्योंकि मुझसे पूछ रहे हैं आप। इसलिए टिकट देने से पहले चार पांच बायोडाटा मंगाओ, उस लोग वहां जाके 10-5 अपने आदमी भेजो कि वहां जाके ये
खोज करो कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है। जी कुछ गर्मा गर्मी हो रही है। कहना चाहता हूँ भाई, कह रहे हैं कि माल नहीं मिला क्या, पैसा नहीं मिला। मुझे एक बात बताइए मान्यवर, कौन सी ऐसी पार्टी दूध की धुली है जो माल नहीं लेती हो, पैसा नहीं लेती हो? क्या बीएसपी के पीछे पड़े रहते हो तुम लोग? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बात करने के लिए। हमेशा बीएसपी की बुराई करने में लगे रहते हो। अरे बीएसपी की अच्छाई भी तो बताइए आप लोग, बीएसपी की क्यों अच्छाई नहीं बताते आप लोग? तुम लोगों ने गलत फैला रखा, तुम ही लोग कारण बीएसपी हार रही है। तुम ही लोग सबसे अहम कौन, मीडिया है? कुछ इसमें मीडिया ऐसे भी है जो बहुत अच्छी बात करते हैं, हमेशा बीएसपी के पीछे। बीएसपी पैसा लेती है, अरे और पार्टी भी तो लेती है।